हेलो दोस्तों, मैं गौतम प्रियदर्शी स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, आज का जो टॉपिक था वीडियो का, और दोस्तों ये जो देख सकते हैं ये लेजर लाइट का बॉक्स है। ये कुछ कंपोनेंट है जो इसमें लगेंगे, लेकिन दोस्तों आज हम इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि मेरा मेन टूल ही ख़राब हो चुका है। मेन टूल बोले तो मेरा सोल्डरिंग आयरन ख़राब हो चुका है। मैंने आज जब मैंने उसको गर्म किया तो नहीं गर्म हो रहा था, तो आज हम इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाएंगे। अब देख सकते हैं, आज का टॉपिक यही था कि आज हम इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। जैसा कि देख सकते हैं, 7297 का मैंने एम्पलीफायर बनाया था विदाउट पीसीबी का, तो आज हम इसको पीसीबी पर ये इसको सर्किट के जरिए मैंने इसको बना लिया है। और यहाँ कुछ सामान इसमें जो लगेंगे और एक मॉड्यूल लगेगा, लेकिन आज हम इसका वीडियो नहीं बनाएंगे। इसका वीडियो नेक्स्ट वीडियो में होगा दोस्तों। और आज का जो टॉपिक होगा सोल्डरिंग आयरन का, जो सोल्डरिंग आयरन मेरा ख़राब हो गया है उसमें, उसको आज हम रिपेयर करेंगे। तो हम इसको साइड कर लेते हैं दोस्तों। इसका वीडियो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आ जाएगा। तो चलिए, हम अपना सोल्डरिंग आयरन को देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों। मैंने इसको मेन सप्लाई दिया था लेकिन ये गर्म नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने वो 7297 के ऊपर वीडियो नहीं बना पाया। देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसका सप्लाई दे दिया बट ये गर्म नहीं होता है। मैं इसको 2 मिनट तक रख देता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं इसमें आ रहा है इसमें पावर, लेकिन ये गर्म नहीं हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम इसका आज रिपेयरिंग करेंगे और इसमें क्या ख़राबी है, इसके अंदर क्या होता है, आज उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो दोस्तों, मैंने मार्केट से ये 2 चीज़ खरीद कर लाए हैं। एक व्यूअर्स ने बोला था कि आप कौन सा पेस्ट यूज करते हैं और कौन सा सोल्डिंग वायर यूज करते हैं, तो आज मैं बता दूं कि आज मार्केट से मैंने ये सोल्डिंग पेस्ट लिया है और यहाँ पे ये सोल्डिंग आयरन का एलिमेंट, और ये ऑलरेडी मेरे पास था। तो मैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सोल्डिंग आयरन में ये भारती का होता है, ये यूज करता हूँ। ये समथिंग 80 रुपये में मिल जाएगा आपको। और यहाँ पर जो देख रहे हैं दोस्तों, इसका दाम 93 रुपया कुछ पैसा है, 33 पैसा। तो ये इतना में नहीं, मात्र 10 रुपये में मिल जाएगा, क्विक फिक्स है। और ये देख सकते हैं दोस्तों, ये जो एलिमेंट है 25 वाट का है। तो हम इसको आज खोलकर इसमें सेट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम इसका पहले मल्टीमीटर से वायर चेक कर लेंगे कि मेरा वायर सही है कि नहीं। फिर भी मैं ऐसा तो गर्म नहीं हो रहा, तो वो एलिमेंट भी ख़राब हो सकता है और वायर भी ख़राब हो सकता है। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं कि मेरा वायर सही है कि ख़राब है। तो सबसे पहले हम इसका खोल लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने इसको खोल दिया है। यहाँ पे मैंने इसको नट खोल लिया है, देख सकते हैं। अब हम इसको वायर को चेक करेंगे मल्टीमीटर से, जो मेरा वायर सही है कि नहीं। तो हम इसको कंटिन्यूटी पर रख लेंगे और एक एक बारी बारी से हम इसका पिन को चेक करेंगे। तो ये मेरा एक वायर सही है। अब दूसरे वायर को चेक करते हैं हम। तो दोस्तों, मेरा वायर सही है, मेरा एलिमेंट ही ख़राब है। तो हम एलिमेंट को चेंज कर लेंगे। जैसा कि मैंने ये एलिमेंट ख़रीदा है, ये 30 रुपये में मार्केट में अवेलेबल है 25 वाट का। हम इसको खोलकर चेंज कर देंगे, फिर देखते हैं, फिर हमारा ये सोल्डिंग आयरन काम करना शुरू कर देगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये एलिमेंट है, इसके अंदर क्या क्या है देख सकते हैं यहाँ पे। देख सकते हैं दोस्तों, इस पीवीसी के अंदर एक डाइवोड लगा हुआ रहता है, जो कि ये यहाँ से एसी लेकर अंदर डीसी कर देता है। इस सोल्डिंग आयरन को डीसी हो या एसी हो, और 250 वोल्ट देंगे तो गर्म होना शुरू कर देता है। चलिए, हम इसको चेंज कर लेंगे। यहाँ पे 3 पोल देख पा रहे हैं दोस्तों, तो एक पोल यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे और एक यहाँ पर कर देंगे, और फिर देखते हैं ये हमारा वर्क करता है कि नहीं। और यहाँ पर जो देख रहे हैं, ये बीट है दोस्तों, इसको बीट को हम निकाल कर इसमें लगा लेंगे। अब हम इसको निकाल लेते हैं।
मैंने बीट को निकाल लिया दोस्तों। अब हम इसको यहाँ से छुड़ा लेंगे वायर को। यहाँ पे सोल्डिंग नहीं किया हुआ रहता दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों ये अंदर से टूटा हुआ था वायर, शायद इसलिए वर्क नहीं कर रहा था यहाँ पे अंदर से। दोस्तों इसको हम साइड में कर कर नया वाला इसमें लगा लेंगे। हम तार को अच्छे से एक साथ करके फिर इसको इसमें जोड़ देंगे। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपने YouTube पर काफ़ी वीडियो देखे होंगे इमरजेंसी एनर्जी का, जो दो मोटर जोड़कर वो वोल्टेज को या तो आपको बल्ब जलाकर दिखाएगा या कुछ और चलाकर जो मतलब सप्लाई निकालता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो सब फेक होता है। वो मोटर के अंदर दो मोटर रहता है, तो एक मोटर के अंदर छोटा सा जो कि रिमोट में पैसा जैसा जो लगता है बैटरी छोटा सा वो यूज किया रहता है ताकि वो चल सके मोटर। और वो जो वीडियो डाला हुआ रहता है यूट्यूब पर दोस्तों व्यू पाने के लिए सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, मैं क्लियर बोलना चाहता हूँ दोस्तों वो सब फेक होता है। आप उस सब पर यकीन ना करें तो ही अच्छा है। मैंने इस पर ट्राई किया था ताकि पता चले कि हाँ ये फेक या रियल है, लेकिन ये बिल्कुल बिल्कुल फेक होता है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम इसको इसमें वायर को कनेक्ट कर दिए एक नीचे वाला में, और एक दोस्तों देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर दिया, ये खाली वाला वायर रहेगा दोस्तों। इसमें पता चले यहाँ पर जो कुछ वायर आपको लपेटा हुआ इसमें दिख रहा है, आप उसी में एक रेड वाले को करेंगे। यहाँ पे देख पा रहे हैं ये खाली है, इसमें कुछ नहीं रहता है, तो इसमें नहीं करेंगे, यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे करेंगे, और फिर हम इसको इसमें ऐसे अंदर कर देंगे जैसे होता है। तो इसको दोस्तों हम टाइट बाद में करेंगे, हम इसमें बीट लगा कर, ये ऑलरेडी टाइट हो गया है। अब हम इसमें ये बीट लगा देते हैं और देखते हैं हमारा ये अच्छा से वर्क करता है कि नहीं। पहले हम इसको अब पावर सप्लाई में लगाकर देखते हैं कि हमारा गर्म होता है कि नहीं। तो दोस्तों ये गर्म हो रहा है मैं आपको बता दूंगा, इसको हम खोल लेते हैं ताकि आपको पता चले कि गर्म हो रहा है। ये टाइम लगेगा दोस्तों, इसको हम 5 मिनट छोड़ देते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं दोस्तों ये मेरा गर्म हो रहा है, इसमें से धुआं निकल रहा है, देख सकते हैं ये पूरा पिघल रहा है। बहुत अच्छे से पिघला रहा है। तो दोस्तों ये हमारा वर्क करना शुरू कर दिया है। आप इस तरह से अपना सोल्डिंग आयरन को रिपेयर कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं इसमें डाइबोर्ड था, अगर बिना डाइबोर्ड के अभी दे सकते हैं तो ये चलेगा, बट ये बहुत जल्द ही ख़राब हो सकता है। बिना डाइबोर्ड का अगर ये डायरेक्ट यहाँ से जोड़ देंगे और एक यहाँ से जोड़ देंगे तो ये डायरेक्ट जल्दी ख़राब हो सकता है। तो दोस्तों ये देखा मैंने, बहुत आसानी से आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन मेरा वाला जो देख रहे हैं दोस्तों ये 25 वाट का मैं यूज करता हूँ। और दोस्तों वो जो 7297 का जो मैंने बताया था शुरू में वीडियो के शुरू में, वो वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मैंने उसका अपलोड करूँगा बना के। तो दोस्तों ये बहुत ही आसानी से रिपेयर कर सकते हैं और ये बहुत ही गर्म हो रहा है दोस्तों, बहुत ही बहुत हॉट है, देख सकते हैं यहाँ पे धुआं निकल रहा है, बहुत हॉट है। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें। अगर दोस्तों आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।